हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे सेक्शन 13 और इस सेक्शन का ताल्लुक जैसा कि आप देख ही रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थ्रू कन्वर्जन से। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट सेक्शन है और मैंने कहा था इस लॉन्ग चैप्टर्स में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें एक तो परचेज इन द ओपन मार्केट जो हमने कर लिया है, सिंकिंग फंड का टॉपिक वो भी हमने कर लिया है, और अब आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वैसे भी ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसका कि ताल्लुक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थ्रू कन्वर्जन से है। अब रिडम्पशन थ्रू कन्वर्जन का क्या मतलब है? ये भी डिवेंचर को रिडीम करने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई कंपनी है, इस कंपनी ने मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे, करेक्ट 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशू करे। लेकिन जब कंपनी ने ये डिवेंचर इशू करे तो कंपनी ने ये कहा कि मैच्योरिटी के बाद, मान लेते हैं कि 5 साल के बाद इन डिवेंचर को कंपनी ने रिडीम करना है, तो इश्यू करते वक्त कंपनी ने ये मेंशन कर दिया कि हम आपके डिवेंचर 5 साल के बाद वापस करेंगे, नंबर एक। और कंपनी ने कहा कि जब हम आपके डिवेंचर वापस करेंगे तो हम कैश में नहीं करेंगे, हम उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। कंपनी ये कहकर के भी डिवेंचर इशू कर सकती थी कि हम आपके डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में या नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कन्वर्ट जो करे जा सकते हैं डिवेंचर्स, वो नए इंस्ट्रूमेंट्स में करे जा सकते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, न्यू डिवेंचर हो। लेकिन कंपनी को ये बताना पड़ता है इशू करते वक्त कि आपके डिवेंचर हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में करेंगे। तो मान लेते हैं कि कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर ये कहकर के इशू करे हुए हैं कि रिडम्पशन के बाद, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद, 5 साल के बाद हम आपके डिवेंचर्स का पैसा कैश में नहीं देंगे, हम आपके डिवेंचर्स का पैसा जो है उस आपके डिवेंचर के बदले में हम आपको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। अब जब रिडम्पशन का वक्त आएगा तो कंपनी एक एंट्री पास करेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करे थे वो कंपनी के पास वापस आ जाएंगे और कंपनी डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दे देगी। तो जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर को रिडीम करती है थ्रू कन्वर्जन, उसमें कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन जो है ख़राब नहीं होती, क्योंकि कंपनी का कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। और डिवेंचर होल्डर को क्या फ़ायदा होता है? डिवेंचर होल्डर्स सीधा क्रेडिटर से कंपनी के ओनर बन जाते हैं। याद रखो कि डिवेंचर होल्डर्स कंपनी में वोट नहीं कर सकते, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उन्होंने कंपनी को पैसा दिया होता है, तो इसलिए हम उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। लेकिन अब जब उनको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे तो वो कंपनी में वोट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, यानी कि कंपनी की एक्टिविटी में वो पार्ट ले सकते हैं। तो ये डिवेंचर होल्डर को फ़ायदा है, तो दोनों पार्टीज़ को इसमें फ़ायदा होता है। जब भी कोई कंपनी अपने डिवेंचर को रिडीम करती है बाय वे ऑफ कन्वर्जन, उसमें दोनों को, कंपनी को भी और डिवेंचर होल्डर्स को भी फ़ायदा होता है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। 13.1 में देखे कहता है ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने नोटिस दिया कि हमने जो 4 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए हैं और जिनका कि अब रिडम्पशन का वक्त आ गया है, उनको हम वापस करेंगे। इस लाइन का ये मतलब है, ए लिमिटेड कंपनी गिव नोटिस टू रिडीम इट्स आउटस्टैंडिंग रुपीज 4,04.5% डिवेंचर स्टॉक ऑन 1/1/2025, कर लेना, डेट मैंने 1/1/2025 कर दी। तो 1/1/2025 को कंपनी ने ये ऑफर दिया अपने डिवेंचर होल्डर को, ऑफर क्या दिया बल्कि नोटिस दी कि हम आपके डिवेंचर्स को अब वापस करेंगे और आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं। कंपनी ने अब की बार अपने डिवेंचर होल्डर को 3 ऑप्शन दिए। अच्छा, ये याद रखें क्वेश्चन का पूरा मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का पूरा मतलब अभी तक जो निकला सामने वो ये कि एक कंपनी ने 4 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए हैं। कितने रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए? सर 4 लाख रुपीज के डिवेंचर इशू करे हुए हैं, राइट। कंपनी ने 4 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए हैं, ये 4.5% डिवेंचर से, 4.5% डिवेंचर है। अब जब कंपनी ने ये डिवेंचर इशू करे होंगे तो हो सकता है कि कंपनी ने ये कहा हो कि रिडम्पशन के वक्त हम आपका जो पैसा है वो 102 रुपीज़ के हिसाब से वापस करेंगे। देखो, जब डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी होती तो हम उसको हमेशा 100 मानते हैं। अगर किसी शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी हो तो 10 का मानते हैं, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू ना दी हो तो अकाउंट्स में हमेशा 100 का माना जाता है। तो डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी है तो मान रहे हैं कि हमने जो डिवेंचर इशू करे हुए हैं वो 100 रुपये वाले डिवेंचर हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने 4 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए हैं, तो 4 लाख को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता लग सकता है कि कंपनी ने 4000 डिवेंचर 100 रुपए वाले इशू करके रखे हुए हैं। तो ये कंपनी ने डिवेंचर इशू करके रखे हुए हैं 4000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ये 4.5% डिवेंचर है।
लेकिन उसने क्या लिखा है, इस लाइन को ध्यान से समझना है। अ लिमिटेड कंपनी गेव ए नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिडीम ₹4,04.5 डिवेंचर स्टॉक एट 102%, यानी कि कंपनी इन डिवेंचर होल्डर का जब पैसा लौटाएगी तो 102 के हिसाब से लौटाएगी, यानी कि ₹2% प्रीमियम पे, या ₹2 पर डिवेंचर प्रीमियम पे वापस करेगी। इसका मतलब जब कंपनी ने ये डिवेंचर इशू करे थे तो कंपनी ने तब डिवेंचर होल्डर को कहा होगा कि हम जब भी आपका पैसा लौटाएंगे तो ₹102 के हिसाब से लौटाएंगे, यानी कि प्रीमियम पे लौटाएंगे। अब रिडम्पशन का जब वक्त आ गया तो कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर को 3 ऑप्शन दिए। तो कई बार कंपनी ये पॉलिसी भी अपनाती है कि रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी डिवेंचर होल्डर को चॉइस दे देती है कि आपको क्या चाहिए, क्या आप अपने डिवेंचर कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कैश चाहते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस भी कई बार डिवेंचर होल्डर को दिए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में भी कंपनी को शुरू में ही बताना पड़ता है, यानी कि जब कंपनी ने ये डिवेंचर इशू करे होंगे तो कंपनी ने तब बकायदा अपने डिवेंचर होल्डर को कहा होगा कि हम जब भी ये डिवेंचर वापस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देंगे। तो यहाँ कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर को 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो तुम्हें इन 3 ऑप्शन का मतलब समझना पड़ेगा। क्या मतलब समझना पड़ेगा? एक तो कहता है कि टू गेट 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच एट ₹22.50 पर शेयर। पहले तो कंपनी ने एक ऑप्शन ये दिया कि आप चाहो तो अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसमें अगर कंपनी ने किसी एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड एक्यूमुलेट होता चला जाता है, फिर वो अगले साल मिलेगा, उनको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। एनीवे, तो कंपनी ने एक तो ऑप्शन ये दिया कि आप चाहो तो अपने डिवेंचर होल्डर को 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में इशू कन्वर्ट कर सकते हो, और जो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे वो ₹20 वाले होंगे, लेकिन वो इशू करे जाएंगे ₹22.50 के हिसाब से। यानी कि हमारी कंपनी आपको 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देगी, ₹20 वाले शेयर, लेकिन हम ₹22.50 के हिसाब से आपको इशू करेंगे, चाहो तो आप अपने डिवेंचर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन तो ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन ये दिया कि टू हैव 6% डिवेंचर स्टॉक ऑफ 96%। दूसरे ऑप्शन में कंपनी ने ये कहा कि आप चाहो तो अपने डिवेंचर को नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर लो। देखो ये 4.5% डिवेंचर है, कंपनी कह रही है आप चाहो तो 6% डिवेंचर ले सकते हो, लेकिन ये जो 6% डिवेंचर हम आपको इशू करेंगे 96% पर करेंगे। 96% का मतलब है कि ₹100 वाले डिवेंचर जो हैं वो 96 के हिसाब से आपको इशू करे जाएंगे। अगर आप डिवेंचर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम आपको नए 6% डिवेंचर देंगे, ₹100 का डिवेंचर, लेकिन 96 के हिसाब से जाएगा, डिवेंचर डिस्काउंट पे हम आपको इशू करेंगे। जैसे प्रेफरेंस शेयर तो हम प्रीमियम पे आपको इशू करेंगे, लेकिन ये हम डिस्काउंट पे देंगे। सर डिस्काउंट पे तो कंपनी इशू कर ही नहीं सकती, शेयर्स नहीं कर सकती, डिवेंचर्स को करे जा सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में ये लिखा है कि टू हैव देयर होल्डिंग्स रिडीम्ड फॉर कैश इफ नाइदर ऑफ द ऑप्शन मेंशन अबव वाज एक्सेप्टेड। और तीसरे ऑप्शन में कंपनी ने यह कहा कि अगर आपको पहले दोनों ऑप्शन पसंद नहीं है, आप ना तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेना चाहते हैं ना 6% डिवेंचर लेना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा कैश में भी ले सकते हैं, तो आप अपना पैसा कैश में भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में पहले लाइन में पूरा सेंटेंस क्या है? ऑप्शन तो ये है कि हम आपको 6% प्रेफरेंस शेयर देंगे, ₹20 वाले देंगे, ₹22.50 के हिसाब से देंगे, और वो कह रहा है ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, कहता है एक्सेप्टेड बाय होल्डर्स ऑफ ₹1,71,000 स्टॉक होल्डर। वो कह रहा है पहला जो ऑप्शन है वो 1,71,000 के स्टॉक होल्डर्स ने एक्सेप्ट करा, यानी कि ₹1,71,000 के जो डिवेंचर होल्डर थे, याद रखो कंपनी के कुल डिवेंचर जो हैं वो ₹4,00,000 के, तो ₹4,00,000 के डिवेंचर होल्डर में से 1,71,000 के डिवेंचर होल्डर्स ने कहा ठीक है हमें ये ऑप्शन पसंद है। समझ में आ गया? ये इस लाइन का मतलब है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में उसने कहा एक्सेप्टेड बाय होल्डर्स ऑफ 1,44,000 स्टॉक होल्डर्स। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरा ऑप्शन है वो 1,44,000 के डिवेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अब 4,00,000 में से इतने लोगों ने कहा हमें डिवेंचर कन्वर्ट करने हैं 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में, 4,00,000 में से 1,44,000 के डिवेंचर होल्डर्स ने कहा कि हमें आप नए डिवेंचर दे दो 6% के हिसाब से, तो अब कितने डिवेंचर बच गए?
अगर मैं 4 लाख में से 171 और 144 माइनस कर दूं तो 85,000 के डिवेंचर होल्डर बच गए। तो इसका इनडायरेक्टली ये भी मतलब हो गया कि जो 85,000 रुपीज के डिवेंचर होल्डर्स हैं, ना तो वो प्रेफरेंस शेयर चाहते हैं और ना वो 6% डिवेंचर चाहते हैं। इसका मतलब उनको क्या चाहिए? उनको कैश चाहिए, क्योंकि कंपनी ने कहा हुआ है कि अगर आपको पहले दो ऑप्शन पसंद नहीं है तो फिर आपके डिवेंचर को हम कैश में वापस करेंगे। अब क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो दी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी रिडम्पशन एंड अलॉटमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा मैं पहले आपको डिटेल में बता दूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट, तो डिटेल में बताने के लिए भी आप थोड़ा सा मेहनत करने के लिए मुझे उम्मीद है कि तैयार होंगे। तो सबसे पहले तो सेक्शन 13 है, ये सेक्शन 13 की शुरुआत अब करी जा रही है। ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर, जस्ट वेट, ये आपको फ्लैश नहीं हो रहा होगा, अब आ रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 13 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13.1 को हमने देखा। अब 13.1 को जरा समझने के लिए आप यहां पर एक बार फिर से देख लें। एक्चुअली जो मैं ये डायग्रामेटिक एनालिसिस करता हूं, जब बाद में आप कभी इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो तब आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सब नोट करके रखा हुआ है। जैसा कि इस केस में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो कंपनी है वो अपने डिवेंचर को रिडीम कर रही है। जस्ट वेट, एक मैंने डेट क्या लिखाई मैं ही भूल गया, 1/1/2025 मैंने डेट कर दी थी, यही डेट करी थी, हाँ यही डेट करी थी। तो 1/1/2025 को 1/1/2025 को ये कंपनी अपने डिवेंचर को रिडीम कर रही है, मैंने डेट ये कर दी, करेक्ट। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इस कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करके रखे हुए हैं वो 4.5% डिवेंचर हैं, 4.5% डिवेंचर हैं, और ये डिवेंचर जो हैं रुपीस 4 लाख के हैं, ये 4 लाख के डिवेंचर हैं। इज इट क्लियर टू यू? तुम डिवेंचर कह लो, डिवेंचर स्टॉक कह लो, बात एक ही है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी ने ये डिवेंचर जब इशू करे थे तो ये कहकर के इशू करे थे कि हम वापस जब करेंगे 102 के हिसाब से करेंगे, 102 का मतलब है कि 2% प्रीमियम पे करेंगे, हम वापस जब करेंगे तो 2% प्रीमियम पे करेंगे। अब कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर को 3 ऑप्शन दिए जैसा कि हमने देखा। ऑप्शन वन के मुताबिक कंपनी ने क्या कहा? ऑप्शन वन के मुताबिक कंपनी ने यह कहा कि आप चाहो तो अपने डिवेंचर होल्डर को 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में, करेक्ट। यानी कि यहां मैंने क्या लिखा है, सिक्योरिटी। यानी कि अगर डिवेंचर होल्डर इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, इस ऑप्शन को चूज करते हैं, तो कंपनी उनको 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देगी नई सिक्योरिटी के रूप में। हमने ये भी देखा जो नई सिक्योरिटी 6% प्रेफरेंस शेयर है वो 20 रुपये उसकी फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी है, लेकिन उसका जो इश्यू प्राइस है, जो उसका इश्यू प्राइस है वो 22 रुपये 50 पैसे का है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन में ये भी दिया था कि ये जो ऑप्शन है इसको एक्सेप्ट करा गया, एक्सेप्टेड बाय ₹1,71,000 डिवेंचर होल्डर। 4 लाख में से 1,71,000 के डिवेंचर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये ऑप्शन पसंद है, अच्छी बात है। उसके बाद ऑप्शन टू में जैसा कि तुमने देखा, कंपनी ने कहा है कि हम 6% डिवेंचर इशू करेंगे, लेकिन 6% डिवेंचर जो इशू करेंगे वो 100 रुपये के डिवेंचर हैं, लेकिन हम उनको 96 के हिसाब से इशू करेंगे। और वो कह रहा है ये वाला जो ऑप्शन है वो 1,44,000 के डिवेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट करा। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने डिवेंचर्स रिडीम कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट कैश ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप कैश ले सकते हैं। तो कैश के केस में तो फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस का कोई चक्कर होता नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कैश कितने डिवेंचर होल्डर्स ने लिया होगा,
बिकॉज 4 लाख के डिवेंचर थे, उसमें से पहले दो ऑप्शन 1,71,000 और 1,44,000 के डिवेंचर होल्डर ऑप्ट कर चुके हैं, तो अब जो बचे हुए डिवेंचर हैं वो 85,000 रहे होंगे। तो इसका मतलब 85,000 डिवेंचर होल्डर्स ने कहा होगा कि हमें हमारा पैसा आप कैश में वापस कर दो। अब जैसा कि क्वेश्चन में उसने तुमसे एंट्रीज पूछी है, तो अब मैं इसकी एंट्रीज भी तुम्हें करके दिखा दूँ। तो इसकी एंट्रीज कैसे करी जाती हैं ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहले मैंने ऑप्शन वाइज कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व, एंट्रीज फॉर ऑप्शन वन। तो जो पहला ऑप्शन है मैं उसमें आपको एंट्री करके पहले बताता हूं। पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दे रही है। क्या दे रही है? 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दे रही है। पर पहले आपको क्या सोचना है? पहले आपको ये सोचना है कि अब रिडम्पशन का वक्त आ गया और डिवेंचर होल्डर का पैसा कंपनी ने रिडीम करना है। ये वाला ऑप्शन कितने डिवेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कराया? 1,71,000 वर्थ के डिवेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कराया। इसका मतलब जो कंपनी ने 4.5% डिवेंचर इशू करे हुए थे 4 लाख के, उन 4 लाख में से इसका मतलब रुपीज 1,71,000 के डिवेंचर होल्डर हमारे पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि इन डिवेंचर होल्डर्स ने कहा कि हमें यह ऑप्शन पसंद है, तो अभी हम ऑप्शन वन की एंट्री कर रहे हैं। तो पहले तो कितने डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं उनको देखो, 1,71,000 रुपये के डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। हालांकि रिडीम करने के लिए तुम उनको अब की बार 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दोगे, वो एक अलग मैटर है। अब लेकिन तुमने यहां पर एक चीज भूलनी नहीं है, तुमने ये सोचना है कि अगर हम इनको नॉर्मल तरीके से वापस करते तो हम इनको कितना पैसा देते। तुमने क्या कह के डिवेंचर इशू करे हुए हैं? तुमने ये कह करके 4 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए हैं कि जब भी रिडम्पशन का वक्त आएगा हम 102% के हिसाब से आपका पैसा वापस करेंगे। यानी कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से इन डिवेंचर होल्डर को वापस करता तो 1,71,000 प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इनको मुझे 2% का प्रीमियम भी देना पड़ता, क्योंकि कंपनी ने कहा हुआ है कि हम जब भी वापस करेंगे 102% के हिसाब से करेंगे। तो 2% प्रीमियम अगर मैं इसका कंप्यूट करूं तो ये 3,420 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर मैं इन डिवेंचर होल्डर को कैश में वापस करता तो मैं इनको टोटल पैसा 171,000 प्लस 3,420 यानी कि 1,74,420 रुपीज़ देता। प्रैक्टिकल लाइफ में डिवेंचर को चाहे हम कैश में पे करें या हम उनको नई सिक्योरिटी दें, पहले हम जनरली ड्यू एंट्री करते हैं। तो मैंने लिख दिया टू डिवेंचर होल्डर, यानी कि पहले तो आपने ये देखना है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से इन डिवेंचर होल्डर को वापस करते तो कितना पैसा देते, इतना पैसा देते। इसका मतलब आपने डिवेंचर होल्डर को टेक्निकली इतना पैसा देना है, इन डिवेंचर होल्डर को इतना पैसा देना है। तो इतने वर्थ रुपीस के आपको इनको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन वन के अंदर ये आपकी पहली एंट्री होगी, और अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो उसकी एंट्री होगी अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन। ये आपने यहां पर एंट्री लिख दी, आपने इनका अमाउंट जो है वो ड्यू कर दिया। यहां तक ठीक है? अगर यहां तक ठीक है तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बताओ मुझे जरा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब डिवेंचर होल्डर्स को मुझे इतना पैसा देना है, कितना पैसा देना है? 1,74,420 का पैसा मैंने इनको देना है। अगर मैं इनको कैश में वापस करता तो मैं सीधा टू कैश लिख देता, लेकिन कैश तो मुझे देना नहीं है, मुझे क्या देना है इनको? अभी तो मैंने बताया था इन डिवेंचर होल्डर्स को हमने क्या देना है, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स देने। अब 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पहले तो आप लिखें यहां पर, क्योंकि अब आप कैश तो नहीं दे रहे इनको, इनको क्या दे रहे हैं आप? उस सिक्योरिटी का नाम लिखें जो आप दे रहे हैं, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आप इनको दे रहे हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। लेकिन जो हम नई सिक्योरिटी दे रहे हैं वो प्रीमियम पे दे रहे हैं। आपने देखा कि 20 रुपये का शेयर हम 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं, तो जो नई सिक्योरिटी है उस पर आप प्रीमियम भी दे रहे हैं, ट्रू सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि जो नई सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो वो प्रीमियम पे कर रहे हो। तो अब पॉइंट ये है कि मैं इसके आगे क्या वैल्यू लिखूं और इसके आगे क्या वैल्यू लिखूं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो ध्यान से देखो कि कितना अमाउंट आपने पे करना है, इतना अमाउंट पे करना है, करेक्ट?
अमाउंट ड्यू, अमाउंट लिखो अमाउंट ड्यू जो है, और अमाउंट ड्यू को आप डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस से। अमाउंट जितना भी ड्यू है उसको तुम इश्यू प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी चाहे, सिक्योरिटी का मतलब चाहे वो शेयर्स हों, प्रेफरेंस शेयर्स हों या डिवेंचर हों, तो ऐसा करके आपको पता लग जाएगा कि आप कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1,74,420 रुपीस मुझे देने हैं, और उसके लिए मैं 20 रुपए वाले जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको 22 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इशू कर रहा हूं, तो मैं 22.50 से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद ये जो फिगर आ गई, ये फिगर क्या बता रही है, ये फिगर ये बता रही है कि हमारी कंपनी 7,752 प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी जिनकी फेस वैल्यू 20 रुपए है, लेकिन हम इनको 22 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे। तो इसका मतलब 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के आगे मैं क्या लिख दूंगा, 7,752 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 20। पहले तो मैंने इनकी फेस वैल्यू लिख दी, अब फेस वैल्यू आ गई 1,55,040 और ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं 7,752 जो तुम इशू कर रहे हो इनटू 2.50, क्योंकि 2 रुपए 50 पैसे प्रीमियम पर हम इनको इशू कर रहे हैं, 20 रुपए का शेयर 22 रुपए 50 पैसे पर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब पर शेयर 2.5 रुपए जो है वो प्रीमियम है। तो ये मैं कर दूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 19,380। तो अब आप देखें 1,55,040 प्लस 19,380 को अगर आप ऐड कर दें तो डेट विल बी इक्वल टू 1,74,420। तो इस तरीके से हमने करना होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कितने डिवेंचर होल्डर हैं जिनको हमने रिडीम करना है, फिर हमने ये सोचा क्या हमने उनको प्रीमियम पे रिडीम करना है, अगर करना है तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी लिख दो, और फिर लिख दो 2 डिवेंचर होल्डर। इससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कितना पैसा आपने उनको देना है, फिर लिखो डिवेंचर होल्डर, और उसके बाद बस आपको ये देखना है कि आप नई सिक्योरिटी के रूप में क्या चीज़ इशू कर रहे हो, तो उस सिक्योरिटी का नाम लिख दो। अगर वो चीज़ प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो 2 प्रीमियम लिख दो, अगर वो चीज़ डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डेबिट में डिस्काउंट करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। हर ऑप्शन से रिलेटेड 2 एंट्री हो जाएंगी। इसी तरह से एंट्री फॉर ऑप्शन 2, अब जो ऑप्शन बी है या 2 है जो भी है, अब ऑप्शन 2 के अंदर भी पहले तो मैं एंट्री लिख दूँ। पहले मैंने एंट्री करी, पहले तो मैंने ध्यान से देखा कि कितने डिवेंचर होल्डर हैं जो सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, 1,44,000 के डिवेंचर होल्डर हैं। तो पहले तो मैंने एंट्री लिखी 4.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब है कि 1,44,000 वर्थ रुपीस के डिवेंचर होल्डर हमारे पास वापस आएंगे, यानी कि इन डिवेंचर होल्डर का पैसा हम वापस कर रहे हैं। अब मैंने ये सोचा कि क्या मैंने जब ये डिवेंचर इशू करे थे तो इनको कहीं प्रीमियम व्रीमियम तो नहीं देना, देना है, क्योंकि हमने जब ये डिवेंचर इशू करे थे हमने कहा था कि हम आपको 102 के हिसाब से वापस करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया POR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 2% का प्रीमियम आ गया आपका 2,880। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 डिवेंचर होल्डर, इसका मतलब इन डिवेंचर होल्डर को मैंने कुल मिला करके इतना पैसा देना है या इतने वर्थ रुपीस का सामान देना है, 1,46,880 अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन, अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन। तो अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन तुमने लिख दिया, अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन। अब इस एंट्री को करने के बाद अब आप दूसरी एंट्री करेंगे। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, आप इनको नई सिक्योरिटी इशू करेंगे, तो पहले तो डिवेंचर होल्डर को डेबिट करो, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को आपने अब इतने वर्थ रुपीस की सिक्योरिटीज देनी है 1,46,880 की। अब मैंने ये सोचा, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हमने 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, अब की बार हम इनको क्या इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और जो नए डिवेंचर हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो अब की बार हम इनको कोई शेयर्स इशू नहीं कर रहे, नए डिवेंचर इशू कर रहे हैं 2.6% डिवेंचर। क्या मैं ये नई सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, अगर मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा होता तो मैं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता,
लेकिन मैं इनको प्रीमियम पे इशू तो कर ही नहीं रहा, अब की बार मैं इनको डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट ऑन 6% डिवेंचर या सिंपली डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। तो अब की बार मैं ये जो नई सिक्योरिटी है डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था, ये देखने के लिए कि कितने डिवेंचर हम इशू करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कितना अमाउंट मुझे वापस करना है। मुझे डिवेंचर होल्डर को 4,86,880 रुपीस वर्थ रुपीस का सामान देना है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इश्यू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अब की बार जो सिक्योरिटी है वो डिवेंचर है और उसका इश्यू प्राइस जो है वो 96 है। तो 96 से आपने डिवाइड कर दिया। जब 96 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको ये पता लग गया कि 1530। इसका मतलब मैं 1530 डिवेंचर इशू करूंगा। 100 रुपये वाले डिवेंचर हैं लेकिन मैं इनको 96 के हिसाब से इशू करूंगा। तो डिवेंचर के आगे मैंने लिखा 1530 डिवेंचर इनटू 100। डिवेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आएंगे। तो 1,53,000, इसका मतलब 1,46,880 की पेमेंट करने के लिए आपकी कंपनी को इतनी फेस वैल्यू वाले डिवेंचर इशू करने पड़े, क्योंकि आप ये जो डिवेंचर इशू कर रहे हो वो डिस्काउंट पे कर रहे हो। अब डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 1530 डिवेंचर इनटू 4, हर डिवेंचर पे 4 रुपये का डिस्काउंट है क्योंकि 96 के हिसाब से आपने इशू करा। तो डिस्काउंट की फिगर आ जाएगी आपकी 6,120। तो इस तरीके से, वैसे आप इसके नरेशन भी लिख सकते हो, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ ड्यूज या अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। तो इस तरीके से आपने यहां पर नरेशन भी लिख दी। तो हर ऑप्शन से रिलेटेड आपने 2 एंट्री करी है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन सी ये था कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन, ऑप्शन 1 और 2 में से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं है तो आप अपने डिवेंचर होल्डर्स का पैसा कैश में ले सकते हो। तो इसका मतलब अब जो बचे हुए डिवेंचर हैं जो कि 85,000 है, हमने देख लिया, तो उनका पैसा मुझे कैश में वापस करना पड़ेगा, इजंट इट और नॉट। अब जब मैं कैश में इनका पैसा वापस करूंगा तो मेरी एंट्री पहली तो होगी 4.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 4.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो बचे हुए डिवेंचर 85,000 हमारे पास वापस आएंगे, लेकिन हमने इनको प्रीमियम पे वापस करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2% के हिसाब से 1,200। तो 2 डिवेंचर होल्डर, पैसा तो हमने इनको कितना देना है, 86,200 जो बच, अच्छा ये 1,700 आ जाएगा 2%। तो पैसा हमने इनको देना है 86,700। तो ये तो हो गया आपकी अमाउंट ड्यू की एंट्री, ये आपने अमाउंट ड्यू की एंट्री लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? इस एंट्री को करने के बाद अब आप अगली एंट्री क्या करेंगे, अब आप डिवेंचर होल्डर्स को कैश में पेमेंट कर देंगे। आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट देनी है 86,700 की, तो 86,700 और यहां पर अब की बार आप लिख देंगे 2 कैश, 86,700, और यहां पर आप लिख दें एक्चुअल पेमेंट। तो इस तरीके से कन्वर्जन के केस में एंट्रीज करी जाती हैं। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए, मैंने कहा ये पॉपुलर टेक्निक है क्योंकि इस टेक्निक में डिवेंचर होल्डर्स भी खुश होते हैं और कंपनी भी इसमें बहुत खुश रहती है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद लेट अस हैव ए लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13.2 एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, 13. छोटे छोटे क्वेश्चन ही तुम्हें आते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन मैंने कराया ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, करेक्ट? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 8 या 10 मार्क का आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि वेल लिमिटेड रिडीम्ड 1,008% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब की बार तुम्हें डायरेक्टली दिया हुआ है कि कंपनी ने 1,000 डिवेंचर वापस करे हैं, 8% वाले, 8% डिवेंचर है, 1,000 डिवेंचर 100 रुपये वापस करे। कैसे वापस करें,
by converting them to 12% preference shares of 100 each issued at a premium of 25%. पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. क्वेश्चन में यह है कि कंपनी ने 1000 डिवेंचर जो हैं, पहले तो ये जो कंपनी है इसके 8% डिवेंचर हैं, 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच. तो वो कह रहा है कंपनी ने 1000 डिवेंचर 100 रुपये वाले जो हैं एक तरीके से उनको कन्वर्ट करा है. अब कन्वर्ट हमने किस में करा है, क्योंकि लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर्स में करा है. अब जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स में तुमने कन्वर्ट करा, उसने लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर तुमने इशू करे हैं वो 25% प्रीमियम पर वापस करे. ये क्वेश्चन तुम्हें समझना है. इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कोई, बल्कि इस क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक वैसे होना नहीं चाहिए और सॉल्व तो क्वेश्चन है ही. अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट. तो अब की बार जब मैं डिवेंचर को कन्वर्ट करूंगा तो मुझे आप बताओ कि मेरे पास कितने रुपए के डिवेंचर वापस आएंगे. सर 8% डिवेंचर हमारी कंपनी ने इशू करे हुए हैं, राइट? 8% डिवेंचर इशू करे हुए हैं. तो 1000 डिवेंचर 100 रुपए वाले आपके पास वापस आ रहे हैं, यानी कि 1,00,000 रुपए के डिवेंचर आपके पास वापस आ रहे हैं. अब आप ये सोचो कि क्या आपने इन डिवेंचर को प्रीमियम पे वापस करना था. ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ है. तो इसका मतलब हमने इनको 1,00,000 रुपए ही देने हैं. तो टू डिवेंचर होल्डर, पहले तो हमने ड्यू एंट्री कर दी, टू डिवेंचर होल्डर 1,00,000. तो डिवेंचर होल्डर को तुमने 1,00,000 वर्थ रुपीस का सामान देना है. सामान क्या है आपके पास? प्रेफरेंस शेयर. तो अब तुम्हारी दूसरी एंट्री जो हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. अब डिवेंचर होल्डर को आपने डेबिट करा, डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट भी कहते हैं. अब नई सिक्योरिटी के रूप में ध्यान से देखो आप क्या इश्यू कर रहे हो. सर हम 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं. तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने लिख दी. अब ये सोचो कि जो नई सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो, क्या वो डिस्काउंट पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो? प्रीमियम पे कर रहे हैं. तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दो. बस अब आपको इनका अमाउंट डिटरमिन करना है. तो अमाउंट डिटरमिन करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो नई सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो उसका नंबर कितना है. तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड. तो कितने प्रेफरेंस शेयर में इशू करूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है. क्या बताया था मैंने, जो फिगर तुमने डिवेंचर होल्डर के आगे लिखी है यानी कि अमाउंट ड्यू, उसको आप डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस ऑफ न्यू सिक्योरिटी से. अब जो नई सिक्योरिटी है 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर 25% प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा. तो इसका मतलब मैं 800 प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा 100 रुपए वाले 25% प्रीमियम पर. तो प्रेफरेंस शेयर के आगे मैं लिख दूंगा कि 800 प्रेफरेंस शेयर हमारी कंपनी इशू करेगी, उनकी फेस वैल्यू 100 है. तो 80,000 तो मैं यहाँ लिख दूंगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे मैंने लिखा 800 × 25, क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर पे 25 रुपये का प्रीमियम है, तो 20,000 ये आ जाएगा. तो इस केस में आपकी ये एंट्री होगी. इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से फिर अगला जो क्वेश्चन है 13.3 को भी देखें. 13.3 में क्या कहते हैं, कहते हैं ऑन 1/4/2023 क्रोकोडाइल इंडिया लिमिटेड इश्यूड 1,00,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. तो क्रोकोडाइल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 1,00,000 डिवेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए वाले डिवेंचर हैं, लेकिन कह रहा है कि ये डिवेंचर कंपनी ने जो इशू करे हुए हैं वो डिस्काउंट पे करे हुए हैं, करेक्ट, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, और इनको रिडीम करना है 5 साल के बाद, लेकिन एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पर. वापस किस पे करना है वो इम्पॉर्टेंट है. अब कह रहे हैं बाई कन्वर्टिंग देम इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%. तो ध्यान क्या रखना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंपनी ने डिवेंचर तो इशू करे हैं 1,00,000 रुपए वाले डिवेंचर. ये 1,00,000 डिवेंचर्स हैं और फेस वैल्यू उनकी जो है वो 100 की है, यानी कि कंपनी ने 1,00,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले इशू करे हैं, और जब कंपनी ने इशू करा था तब कंपनी ने इस पे डिस्काउंट दिया होगा. लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि इनको हमने रिडीम करना है 5 साल के बाद, लेकिन 5 साल के बाद जब हम रिडीम करेंगे तो रिडम्पशन जो हमने इनको करनी है एट 10% प्रीमियम पर करनी है.
एट 10% प्रीमियम पर करनी, ये पॉइंट है। अब हमने इनको रिडीम कैसे करा, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 25% प्रीमियम। वो कह रहा है इनको हमने कन्वर्ट करा इक्विटी शेयर्स में करा, और इक्विटी शेयर जो हमने इशू करे हैं वो 25% प्रीमियम पर करें, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लीजिए जी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने करा था, इस क्वेश्चन में भी मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि कितने डिवेंचर मेरे पास वापस आ रहे हैं, कितने रुपए के डिवेंचर मेरे पास वापस आ रहे हैं। वैसे इस एंट्री की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। वो कह रहे 1/4/2023 को इस कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं, 1/4/2023 को जब इस कंपनी ने डिवेंचर को इशू करा था, तो तब क्या एंट्री कंपनी ने करी होगी, इस एंट्री की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने आपको करके दिखा दी। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी ने 100,000 डिवेंचर इशू करे, और जब कंपनी ने इन डिवेंचर को इशू करा तो 95 के हिसाब से करा, तो इसका मतलब कंपनी के पास 95 लाख रुपीज आ गए, 95 लाख रुपीज कंपनी के पास आ गए या नहीं आ गए? सर आ गए, बिल्कुल आ गए। अच्छा जी, तो इशू करते समय कंपनी की ये एंट्री रही होगी, और कंपनी ने इशू करते समय डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट याद है आपको, हमने शुरुआत में एक टॉपिक करा था टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, उसमें मैंने जो एंट्री बताई थी वही एंट्री यहाँ पर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब कंपनी ने जो ये 100,000 डिवेंचर इशू करे हैं, हर डिवेंचर पे 5 रुपये का इसका मतलब डिस्काउंट है, तो 5 लाख रुपये का डिस्काउंट भी हो गया। अब कंपनी जब इन डिवेंचर को वापस करेगी तो 10% प्रीमियम पे करेगी, तो मैंने आपको याद है शुरू में बताया था कि प्रीमियम पे वापस करने का मतलब लॉस, उसको हम लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लिखते लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। तो 100,000 डिवेंचर हैं और प्रीमियम 10% है, तो इसका मतलब 10 रुपये का प्रीमियम है, सिंपल वर्ड्स में 10 लाख रुपये का आपको नुकसान और होगा। फिर मैं लिखूंगा टू, कितने परसेंट डिवेंचर थे ये मैं खुद भूल गया, जितने भी परसेंट डिवेंचर हैं, टू डिवेंचर अकाउंट 1,00,000 × 100 100,000 डिवेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आते हैं, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, और जो ये लॉस हुआ है प्रीमियम की वजह से हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब मैं वापस करूंगा तो प्रीमियम पे वापस करूंगा इन डिवेंचर को। ये तो रही एंट्री इशू के वक्त, यानी कि जब इस कंपनी ने डिवेंचर को इशू करा होगा तो तब कंपनी ने ये एंट्री करी होगी। अब वो कह रहे हैं 5 साल के बाद इन डिवेंचर्स को वापस करना है, 1/4/2023 के बाद 5 साल हम खत्म हो गए, तो अब 5 साल के बाद क्या एंट्री होगी, क्योंकि उसने कहा है कि इन डिवेंचर को हमने वापस करना है 5 ईयर्स के बाद, करेक्ट, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, तो 1/4/2023 में आप 5 साल ऐड कर दो, तो इसका मतलब 1/4/2028 को मेरी ये एंट्री होगी, कन्वर्जन की एंट्री 1/4/2028 को। अब जब हम कन्वर्जन की एंट्री करते हैं तो हम पहले तो यही देखते हैं कि कितने डिवेंचर हमारे पास वापस आ रहे हैं, भाई पूरे 100,000 डिवेंचर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100,000 डिवेंचर वापस आएंगे, 100 रुपये वाले डिवेंचर, तो इसका मतलब 100,00,000 रुपए के डिवेंचर आपके पास वापस आएंगे, ये 100,00,000 है, कितना है, ये तो 10,00,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 100, यहाँ 10,00,000, अच्छा यहाँ 100,00,000 ठीक लिखा हुआ है, जस्ट वेट, तो 100,00,000 रुपए के डिवेंचर वापस आएंगे। अब ये सोचो कि क्या आपने जब ये डिवेंचर इशू करे थे तो तब आपने कहीं ये तो नहीं कहा था कि जब हम वापस करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे, कहा था और लिखा भी हुआ है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,00,000 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, यानी कि आपने इनको 110,00,000 रुपए की नई सिक्योरिटी देनी है, कैश में तो आप वापस नहीं कर रहे। अब जब मैं इनको नई सिक्योरिटी दूंगा तो मैं लिखूंगा पहले तो सिक्योरिटी का नाम, जो कि इस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल है, और जो नई सिक्योरिटी है इत्तेफाक से वो सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी प्रीमियम पर है,
वो सिक्योरिटी भी प्रीमियम पर है, समझ में ये आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? वो जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो वो प्रीमियम पर ही वापस कर रहे हो। तो अब मुझे ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैं इशू करूंगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, उसके लिए मैंने कहा था आप ये देखो कि कितना अमाउंट आपने डिवेंचर होल्डर्स को देना है। आप चाहो तो यहां पर पहले ड्यू एंट्री भी लिख सकते हो। चलो कहीं आपको लगे मैं अलग तरीके से ना करूं, पहले मैं आपको एक सेकंड के लिए पहले मैं ड्यू एंट्री कर दूं, मैंने क्योंकि अभी तक ड्यू एंट्री करी नहीं है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो टू डिवेंचर होल्डर, आपको मालूम है जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पहले डिवेंचर होल्डर लिखते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी डिवेंचर कन्वर्ट होंगे, जब भी डिवेंचर कन्वर्ट होंगे ड्यू एंट्री करना लाजमी है। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले तो आपने ड्यू करा, उसके बाद ये एंट्री लिखी। अब डिवेंचर होल्डर को आपने 110 लाख रुपए देने हैं, 110 लाख। अब 110 लाख रुपए देने के लिए आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो कितने इक्विटी शेयर्स में इशू करूं? तो इसके लिए मुझे 110 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा इश्यू प्राइस से। अब उसने लिखा है कि जो इश्यू प्राइस है वो 125 है, 25% प्रीमियम पर हम नई सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लग गया कि हम 88,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 रुपये वाले 125 के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे मैं लिख दूंगा कि हमने 88,000 इक्विटी शेयर इशू करे, 100 रुपये वाले हमने इशू करे, तो 88 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे लिखा जाएगा ये इनकी क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू, और प्रीमियम हो जाएगा 88,000 इंटू 25, डेट इज इक्वल टू 22 लाख। तो इस तरीके से कन्वर्जन की एंट्री इस केस में होगी। इज इट क्लियर टू यू? राइट सर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद आगे देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है 13.5, पहले इसको देखें फिर हम देखते हैं। हालांकि अब इतने टफ क्वेश्चन हम आपके लेवल पे एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं, जो मैंने अभी तक के क्वेश्चन कराए उनमें से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैंने करा। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है पहले जरा इसको ध्यान से देखो। वो कह रहा है समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड। तो समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड दी हुई है 30 जून 2019 को एज फॉलोस। अब किसी की बुक में 25 डेट लिखी होगी तो 25 अपने आप कर लेना, नहीं तो 19 ही रहने दो, मैंने डेट चेंज नहीं करी इस वाले में। जब तक कि कोई बहुत पुरानी डेट नहीं होती तब तक उसको चेंज करने का फायदा नहीं। समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड दी हुई है। अब अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को देखोगे तो बैलेंस शीट में नोट करने वाला आइटम क्या है, एक तो फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट लिखा है, उसकी जगह तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिख सकते हो। फिर एसेट साइड में डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट लिखे हैं। अभी लास्ट टॉपिक ही हमने सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का करा था। जब हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट में डेबिट बैलेंस होता है, वो हमारा एसेट है, वो एसेट साइड की तरफ आती है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, फिर अदर करंट एसेट्स तुम्हें दिए हुए हैं, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके अलावा तुम्हें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड का मतलब सिंकिंग फंड ही होता है। अब मेन चीज़ जो तुमने ध्यान देनी है वो ये कि इस कंपनी ने 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे हुए हैं 100 रुपये वाले 100 लाख के। फिर कंपनी के कुछ अदर लोन्स हैं 50 लाख के और कंपनी के कुछ प्रोविजन हैं 125 लाख के। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है बैलेंस शीट फॉर्मेट में। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अब वो कह रहा है डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1/7/2029। बैलेंस शीट की डेट कौन सी है, 30 जून, बैलेंस शीट की डेट। उसके अगले दिन ही यानी कि 1 जुलाई 1/7/2019 को हमने इन डिवेंचर को वापस करना है। किन डिवेंचर को? इन डिवेंचर को जो 100 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी ने इशू करे हुए हैं। आगे कहते हैं द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%।
द टर्म्स ऑफ इशू, यानी कि जब कंपनी ने ये डिवेंचर इशू करे थे तो तब कंपनी ने ये कहकर के इशू करे थे कि हम जब भी वापस करेंगे 5% प्रीमियम पे वापस करेंगे, करेक्ट. एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इन टू इक्विटी शेयर एट ए प्री डिटर्मिंड प्राइस ऑफ 15.75 पर शेयर एंड पेमेंट इन कैश. यानी कि इस कंपनी ने जब ये डिवेंचर इशू करे थे तो कंपनी ने ये कहा था इशू करते वक्त, ये कहा कि जब भी हम डिवेंचर रिडीम करेंगे एक तो 5% प्रीमियम पर करेंगे, एक तो कंपनी ने ये कहा. और कंपनी ने ये जो लाइन है ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर एट ए प्री डिटरमिंड प्राइस ऑफ 15.75 का क्या मतलब है? कंपनी ने कहा कि हम एक तो आपको वापस करेंगे 5% प्रीमियम पे, दूसरा आपके पास जितने भी डिवेंचर्स हैं, जितने रुपए के भी आपके पास डिवेंचर्स हैं उसका 20% पोर्शन आप कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट. और जब आप कन्वर्ट करोगे तो हमारी कंपनी आपको इक्विटी शेयर इशू करेगी एट ए प्री डिटरमिंड प्राइस ऑफ 15.75. ये इसका मतलब है. जितने रुपए के डिवेंचर आपके हाथ में हैं उसका 20% हिस्सा आप कन्वर्ट कर सकते हो और जो बैलेंस है उसके लिए हम आपको कैश देंगे. ये अब की बार इस क्वेश्चन की कहानी है. समझ में आया? लेकिन मैंने कहा ये सारी चीज़ें इशू के टाइम पर ही कंपनी को क्लियर करनी पड़ती हैं, तो कंपनी ने इशू के टाइम पर क्लियर करी कि जब भी हम वापस करेंगे 5% प्रीमियम पर करेंगे, जितने रुपए के डिवेंचर आपके पास हैं उसका 20% पोर्शन आप कन्वर्ट कर सकते हो और जो बैलेंस हो और जो कन्वर्ट करेंगे उसके लिए कंपनी आपको इक्विटी शेयर इशू करेगी 15.75 रुपये के हिसाब से. इसका मतलब है 10 रुपये का शेयर जो है 15.75 रुपये के हिसाब से इशू होगा और बैलेंस मनी हम आपको कैश में दे देंगे. तो ये कहानी अभी तक तो क्वेश्चन में हमें दी हुई है, तो उम्मीद है ये कहानी आपको समझ आ गई होगी. अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है एज्यूमिंग दैट एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर, एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 25,000 डिवेंचर the rest of them exercise the option of maximum conversion. इसका क्या मतलब हो गया? देखो हमारी कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करे हुए हैं वो 100,000 डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर जो हैं वो 100,000 डिवेंचर हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है. 100,000 डिवेंचर जो हैं कंपनी ने इशू करे हुए हैं. अब वो कह रहा है जो ये 100,000 डिवेंचर कंपनी ने इशू करे हुए हैं उसके बारे में नीचे क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर टोटलिंग होल्डिंग 25,000 डिवेंचर द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जन. इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है कि जो 100,000 डिवेंचर कंपनी ने इशू करे हुए हैं, उन 100,000 में से 25,000 डिवेंचर्स को छोड़ करके, हालांकि कंफ्यूज करने के लिए उसने ये भी दे दिया कि एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 25,000 डिवेंचर. इसका क्या मतलब है कि 100,000 डिवेंचर में से 25,000 डिवेंचर जो कि 100 डिवेंचर होल्डर्स के हाथ में है, ये डिवेंचर 100 डिवेंचर होल्डर के हाथ में हो या एक के हाथ में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पॉइंट ये है कि कंपनी ने जो 100,000 डिवेंचर इशू करे हैं उसमें से 25,000 डिवेंचर होल्डर जो हैं इस ऑप्शन को नहीं ले रहे. ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये था कि आप चाहो तो कन्वर्जन के टाइम पर अपने डिवेंचर्स का 20% पोर्शन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लो और बैलेंस जो 80% होगा उसके लिए आप कैश ले लो. ये तो ऑप्शन था. वो कह रहा है इस ऑप्शन को सभी लोगों ने, यानी कि 75,000 डिवेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट करा, 100,000 में से 25,000 ने एक्सेप्ट नहीं करा. ये 25,000 डिवेंचर चाहे एक के हाथ में हो, चाहे 100 के हाथ में हो, चाहे 25,000 के हाथ में, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है. पॉइंट ये है कि 25,000 डिवेंचर होल्डर्स ने इस ऑप्शन को नहीं अपनाया. कंपनी जो ये ऑप्शन देती है इसको मैक्सिमम ऑप्शन भी बोल दिया जाता है. इज इट क्लियर टू यू? मैक्सिमम कन्वर्जन ऑप्शन भी बोलते हैं. तो ये जो लाइन है कि एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जन, अब समझ में आ जाना चाहिए कि 100,000 में से, इसका मतलब है 75,000 डिवेंचर होल्डर तो इस ऑप्शन को अपना रहे हैं
और 25,000 के डिवेंचर होल्डर इस ऑप्शन को नहीं अपना रहे, इस ऑप्शन को नहीं अपना रहे, ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे उसने ये भी बताया, कह रहे द इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 44 लाख ऑन सेल। तुम्हें याद होगा कि जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर को एक्चुअल पेमेंट करती है या कन्वर्ट करती है तो अधिकतर ऐसे टाइम पर कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देती है, तो ये जो तुम्हारे 40 लाख रुपए की डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट थी, इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट को हमने 44 लाख में बेचा है, करेक्ट, 4 लाख के प्रॉफिट पर बेचा। अब कह रहा है ऑल द ट्रांजेक्शन वर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1/7/2019। तो कह रहा है कंपनी ने बिना किसी विलंब के सारी ट्रांजेक्शन कंपनी की 1/7/2029 को हो गई। और आगे कह रहे हैं रीड्राफ्ट दी, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो कह रहे हैं ये जो बैलेंस शीट आपको दी हुई है आप इसको रीड्राफ्ट करो 1/7/2029 को, करेक्ट, जिसमें कि साफ पता लगे कि रिडम्पशन का क्या इफेक्ट सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन है। अब एक मिनट के लिए कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ठीक तरीके से अच्छी तरह कर करके अब बता देता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन के आने के वैसे चांसेस हैं, करेक्ट, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आ गया। देखिए जी, इस क्वेश्चन को 13.5 था ना, ये 13.5 क्वेश्चन था। 13.5 क्वेश्चन जो हमारे सामने था, इस क्वेश्चन में एक तो मुझे बैलेंस शीट बनानी ही बनानी है, तो बैलेंस शीट तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो बैलेंस शीट उसने कहा है कि बनानी है, रीड्राफ्ट करनी है, तो रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट, तो रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन उस बैलेंस शीट को बनाने से पहले, उस बैलेंस शीट को बनाने से पहले अब बार बार मुझे ना फिर बैलेंस शीट की फिगर्स देखनी पड़ेंगी। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम एक काम करो मेरे साथ साथ, उससे मैं थोड़ा जल्दी भी कर लूँगा। पहले तो अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आ जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आ गए, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सर आ गए। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आपको मालूम है कि सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, सर क्या लिखते हैं ये मुझसे पूछ रहे हो, शेयर होल्डर्स फंड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड लिख देते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर, इक्विटी लिखते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर, सॉरी क्या लिखते हैं, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल लिख दो। अब तुम्हारी जो ये बैलेंस शीट तुम्हारे सामने, मैंने ये जो बैलेंस शीट तुम्हारे सामने है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी लिखी है, मैंने अभी वो वैसी की वैसी लिख दी, यानी कि अभी जो ये बैलेंस शीट हमारे सामने है मैंने उस बैलेंस शीट को ही मैं उतार रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी कुछ नया नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हम लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर तुम देख रहे हो कि बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व तुम्हें दिया हुआ है, जनरल रिजर्व में 75 लाख रुपीज़ का बैलेंस है, तो वो भी तुमने लिख दिया 75 लाख, ठीक है। अभी मैंने कुछ नया नहीं करा, जो चीज़ बैलेंस शीट के अंदर दी है मैं उसी को अभी लिख रहा हूँ। फिर तुमने बैलेंस शीट के अंदर ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे पास एक डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी है, और डिवेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर 50 लाख रुपये का बैलेंस मौजूद है। ये चीज़ें तो दी हुई हैं, उसके अलावा फिर मैंने लिखा नॉन करेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट को देखो, जो तुम्हारी बैलेंस शीट दी है उसके अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या चीज़ आ सकती है भाई, 13.5% डिवेंचर, तो 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर लिखा हुआ है, और ये डिवेंचर आपको दिए हुए हैं 100 लाख के। लो जी 100 लाख, ये भी मैंने लिख दिया, यानी कि मैं अभी पूरी बैलेंस शीट एज इट इज़ उतार रहा हूँ, मैंने कुछ नया नहीं करा इसमें। उसके बाद फिर मैंने लिखा करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के अंदर मैंने लिख दिया अदर लोन, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो लोन है वो शॉर्ट टर्म है। अदर लोन का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है, अदर लोन का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 50 लाख, और उसके अलावा तुम्हें कुछ प्रोविजन दिया हुआ है, और प्रोविजन 125 लाख का तुम्हें दिया हुआ है। यानी कि मैंने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करी,
जो बैलेंस शीट में गिवन था मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया। सर ये क्या कर रहे हो, हमारी समझ में नहीं आया। ये तुम्हारी समझ में ठीक तरीके से आए इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अभी तुम्हारी समझ में सब कुछ आएगा, चिंता मत करो। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, जो बैलेंस शीट हमें दी थी उस बैलेंस शीट को मैंने एज इट इज़ उतारा है, ठीक है, एज इट इज़, कुछ भी मैंने उसमें चेंज अभी नहीं करा है। लीजिए जी, इसी तरह से मैंने क्या करा, अब एसेट साइड को देखा। आइए, अब एसेट साइड में तुम्हें क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन में दी हैं पहले तो मुझे ये बता दो। सर एक तो नॉन करेंट एसेट गिवन होती हैं, पहले तो एसेट साइड, ये लीजिए एसेट साइड। एसेट साइड के अंदर हाँ आपने बताया नॉन करेंट एसेट NCA, उसके अंदर मैंने लिख दिया एक तो फिक्स्ड एसेट, क्वेश्चन में लिखा है इसलिए मैंने भी फिक्स्ड एसेट लिख दिया। वैसे आजकल फिक्स्ड एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट जो आपको दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 160 लाख के दिए हुए हैं, करेक्ट, इतने ही दिए हैं, इतने ही दिए। उसके अलावा तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिए हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट तुम्हें 40 लाख रुपए की दी हुई है, तो मैंने 40 लाख ये भी लिख दिया। उसके अलावा करंट एसेट का जहां तक सवाल है, करंट एसेट के अंदर एक तो अदर करंट एसेट्स तुम्हें दिए हुए हैं, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट की फिगर तुम्हें 200 लाख की दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा दी है, कोई बात नहीं। और उसके अलावा तुम्हें कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस। आप भी बोलोगे सर क्या कर रहे हो, कैश एंड बैंक बैलेंस, और कैश और बैंक बैलेंस में आप देख रहे हो कि 50 लाख रुपए का बैलेंस है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ तक ठीक है तो आपके समझ में क्या बात आनी चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया टोटल हमारे 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स में से जैसा कि मैंने शुरू में ही इस क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि टोटल हमारे 1 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, करेक्ट, 1 लाख रुपए के टोटल डिवेंचर हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर। इस 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स में से अभी मैंने जो तुम्हें रफ में बताया भी था कि कितने लोग हैं जो कन्वर्ट कराने में इच्छुक हैं और जो कन्वर्ट कराने में इच्छुक नहीं हैं, तो ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन, जो कन्वर्ट कराने में इच्छुक हैं, ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन, तो मैंने बताया था कि 1 लाख में से 75,000 डिवेंचर होल्डर ऐसे हैं जो कन्वर्ट करने में इच्छुक हैं, 75,000, और उसने कहा था कि 25,000 डिवेंचर ऐसे हैं जो कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्वेश्चन में लिखा था एक्सेप्ट फॉर 25, एक्सेप्ट का मतलब है कि ये कन्वर्ट नहीं करना चाहते, बाकी लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन, इसका मतलब 25,000 डिवेंचर होल्डर ऐसे हैं जो कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन। ये बात समझ में आ गई, नॉट ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन। अब जो 75,000 डिवेंचर होल्डर्स हैं, मैंने ये भी बताया था, क्वेश्चन में लिखा था कि आप 20% कन्वर्ट कर सकते हो, 20% कन्वर्ट कर सकते हो और बैलेंस आपको कैश में दिया जाएगा। अगर 75,000 का मैं 20% निकालूं तो इसका मतलब 15,000 डिवेंचर होल्डर्स ही हैं जो कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, 15,000 डिवेंचर, और 80% डिवेंचर होल्डर यानी कि 75,000 का 80% बैलेंस है 60,000, उनको हमें कैश में पैसा देना पड़ेगा, ये पॉइंट है। यानी कि टोटल जो 1 लाख के डिवेंचर हैं उसमें से 75,000 जो डिवेंचर हैं, 75,000 में से 15,000 को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 20%, और जो बच जाएंगे उनको हमें कैश देना पड़ेगा, नंबर एक। तो इन 75,000 को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैश में देना पड़ेगा, इन 25,000 का क्या करेंगे, इन 25,000 को भी हमें कैश देना पड़ेगा। अब आपकी समझ में आना चाहिए वो क्यों,
क्योंकि कह रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी का रिडम्पशन का वक्त आ चुका है। और तुम्हें याद होगा मैंने जब क्वेश्चन में रीड कर रहा था, मैंने बैलेंस शीट की डेट पे स्पेशली स्ट्रेस करा था। बैलेंस शीट की डेट 30 जून 2019 की दी हुई थी। बैलेंस शीट की डेट 30 जून 2019 की दी थी और क्वेश्चन में लिखा था ये सारे डिवेंचर 1/7/2019 को वापस होने हैं, ये सारे के सारे डिवेंचर वापस होने ही होने हैं। तो इसका मतलब भले ही ये डिवेंचर कन्वर्ट नहीं होना चाहते, तो इसका मतलब हमने इनको 1/7/2019 को रिडीम कर दिया होगा और कैश में रिडीम करा होगा, क्योंकि ये कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि 1/7/2019 को कंपनी ने सारे डिवेंचर्स को वापस करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखें, 100,000 जो डिवेंचर हैं, 100,000 डिवेंचर, अब मैं इसको और तुम्हारे को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो 100,000 डिवेंचर हैं, इस 100,000 डिवेंचर में से अब हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर ये 75,000 जो डिवेंचर हैं उसमें से 60,000 को हमने कैश पे करना है, करेक्ट, और 15,000 को हमने कन्वर्ट करना है, यही मैंने बताया इनको कन्वर्ट करना है, 60,000 को हमने जो है कैश पे करना है, और ये जो 25,000 है इसका मतलब तुमने इनको भी कैश पे करना है, क्योंकि पे तो इनको भी करना पड़ेगा, 1/7 को सारी डिवेंचर को वापस करना है। इसका मतलब ये हो गया कि 85,000 को हमें कैश पे करना पड़ेगा, 20 + 60, और 15,000 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। Is it clear to you or not? तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने बैलेंस शीट बनाई, अब मुझे इनकी एंट्रीज करनी, और एंट्रीज के इफेक्ट में मुझे आपको जो बैलेंस शीट पे समझाने होंगे अब वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आप जरा सोचो सबसे पहले कौन सी एंट्री करें। सबसे पहले अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जानी चाहिए, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को रिडीम करती है तो उन कंपनी को कैश भी चाहिए होता है ना, तो इसलिए अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं पहले उसकी एंट्री कर लूँ। क्वेश्चन में लिखा था कि जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट जो 40,00,000 की है उसको तुमने 44,00,000 में बेचा था, तो पहले तो मैंने इसी की एंट्री कर दी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट मैंने आगे क्या लिखा, 44,00,000 लिखा, तो 44,00,000 बैंक अकाउंट डेबिट 44,00,000, करेक्ट। फिर मैंने लिखा टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट 40,00,000 रुपए की थी, जो 40,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो अब ख़त्म हो गई, क्रेडिट हो गई, समझ में आ रहा है। देखो जब मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, और तुम्हें याद होगा जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम सिंकिंग फंड में यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ले जाते हैं, क्योंकि जो डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट होती है वो सिंकिंग फंड के थ्रू होती है, तो इसलिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को बेच के जो प्रॉफिट होगा वो PNL में नहीं जाएगा, वो फंड अकाउंट में जाएगा, तो इसलिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में हम लिखेंगे 4,00,000। अब इन तीनों एंट्रीज का इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में, अब इसीलिए मैं पहले बैलेंस शीट बना रहा था ताकि आपको इनके इफेक्ट समझ में आ जाए। देखें यहाँ पर, एक तो मेरा इस एंट्री के करने से क्या हो गया, जो कैश बैंक बैलेंस था वो 44,00,000 से बढ़ जाएगा, एक तो ये 44,00,000 से बढ़ गया। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट हैं ये ख़त्म हो गई 40,00,000 की, क्योंकि इनको मैंने बेच दी, यानी कि ये बैलेंस शीट में अब नहीं आएंगी, तो इन्वेस्टमेंट मैंने अब बेच दी, अब ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। और जो ये 4,00,000 का प्रॉफिट हो गया ये डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में तुम्हारे 50,00,000 रुपए थे तो ये 4,00,000 रुपए से बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई कि अब डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में इसका मतलब 54,00,000 रुपीज़ हैं, इसलिए मैं साथ साथ पहले बैलेंस शीट आपको बना के बता रहा था। अब मैं इसकी दूसरी एंट्री करूँगा, तो जब मैं दूसरी एंट्री करूँगा तो मैंने लिखा उसमें अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन, अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन। अब अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन,
अब कुल 1,00,000 रुपए के डिवेंचर हैं, उसमें से केवल 15,000 डिवेंचर को हमने कन्वर्ट करना है, ये भूलना नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 1,00,000 में से 15,000 के डिवेंचर को हमें कन्वर्ट करना है, 15,000 × 100, तो इसका मतलब कितना, 15,00,000। और कंपनी ने जब ये डिवेंचर इशू करे थे तो ये कह के इशू करे थे कि हम जब भी वापस करेंगे प्रीमियम पे करेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को मैंने डेबिट करा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम डेबिट करेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो जाएगा, 5%, तो 5% ऑफ 15,00,000 कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। और मैं लिखूंगा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेट इज इक्वल टू 15,75,000। अब डिवेंचर होल्डर को, इन डिवेंचर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, करेक्ट। तो अब जब मैं इनको इक्विटी शेयर्स दूंगा तो मैं लिख दूंगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट कन्वर्जन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट कन्वर्जन, अगेंस्ट कन्वर्जन, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अगेंस्ट कन्वर्जन। अब ये डिवेंचर होल्डर को कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे, अगला क्वेश्चन ये है। तो पहले तो आप एंट्री लिख दें, डिवेंचर होल्डर को आपने कितने से क्रेडिट करा हुआ है उतने से अब आप डेबिट कर दो। तो 15,75,000 वर्थ रुपीज के इक्विटी शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि जो इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो वो प्रीमियम पे कर रहे हो, वो प्रीमियम पे कर रहे हो। तो कितने करेंगे इसके लिए, 15,75,000 अमाउंट जो ड्यू है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इशू प्राइस से, इशू प्राइस 15.75 की दी हुई थी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है 1,00,000 इक्विटी शेयर हमारी कंपनी इशू करेगी, 10 रुपये वाले करेगी लेकिन 15,75,000 के हिसाब से करेगी। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे मैं क्या लिखूंगा, 1,00,000 × 10, 1,00,000 × 10 10,00,000। और प्रीमियम के आगे मैं क्या लिखूंगा, 1,00,000 × 5.75 डेट इज इक्वल टू 5,75,000। अरे लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, सर बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, अब जो मैंने ये दो एंट्री करी हैं तो आप ध्यान से देखो, ये 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है। तो मैं याद है कि बैलेंस शीट के अंदर हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर 100,00,000 लिखे थे, अब उसमें से 15,00,000 रुपये डेबिट हो गए, तो इसका मतलब हम 15,00,000 के डिवेंचर ख़त्म हो गए क्योंकि हमने वैसे भी इनको कन्वर्ट कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, फिर मैंने जब ये एंट्री करी, इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में डेबिट बैलेंस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, अब मैंने कहीं अलग से रफ में नोट कर लिया, ये रफ वर्क है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में अभी डेबिट बैलेंस है 75,000 रुपीज़ का, ये मैंने कहीं रफ में नोट कर लिया, करेक्ट। उसके बाद टू डिवेंचर होल्डर लिखा है, लेकिन डिवेंचर होल्डर यहाँ तो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। अब फिर मैंने लिखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,00,000, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 10,00,000 से बढ़ गई, तो बैलेंस शीट में आपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल 50,00,000 की लिखी है तो अब वो 10,00,000 से बढ़ जाएगी क्योंकि आपने 10,00,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि जो रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट है, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 60,00,000 रुपीज़ की आपको रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, 60,00,000, इसलिए मैं पहले बैलेंस शीट बना रहा था, आपको सब समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लिखा है, अभी मैंने इसको एकदम से बैलेंस शीट में नहीं लिखा, वैसे तो क्रेडिट बैलेंस है, मैं लिख सकता हूँ बैलेंस शीट में, लेकिन किसी कारण से ना लिख करके मैंने ये सिक्योरिटी प्रीमियम में जो बैलेंस है कहीं रफ में नोट कर लिया। तो मैंने रफ में अभी दो चीज़ें नोट करी हुई हैं, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्यों करी हुई हैं, किस लिए करी हुई हैं, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। अच्छा जी, तो ये एंट्री करने के बाद अब मुझे आप ये बताओ, हमने 15,00,000 के 100,00,000 में से 15,00,000 के डिवेंचर तो वापस कर दिए, या
हमारे टोटल 100,000 नंबर ऑफ डिवेंचर थे, जिसमें से 15,000 डिवेंचर रिडीम हो गए। अब 85,000 डिवेंचर बच गए, उनको हमने कैश देना है, जो मैं आपको शुरू में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब जो रिमेनिंग डिवेंचर हैं उनको तुम रिडीम कर दोगे, तो आपकी जो अगली एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री, रिडम्पशन ऑफ रिमेनिंग डिवेंचर। तो अब आप रिमेनिंग डिवेंचर को वापस करें, रिडम्पशन ऑफ रिमेनिंग डिवेंचर। अब रिमेनिंग डिवेंचर जो हैं उनको हमने वापस करना है। अब रिमेनिंग डिवेंचर को जब मैं वापस करूंगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, डेट इज 13.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 13.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग डिवेंचर 85,000 के, 85,000, 100 रुपये उनकी फेस वैल्यू है, तो 85 लाख रुपीस के डिवेंचर वापस आएंगे। लेकिन वापस करने से पहले ये भी सोचो कि कहीं आपने इनको प्रीमियम तो नहीं देना है, देना है, क्योंकि आपने ये डिवेंचर इशू जब करे थे तो तब ये वादा करा था हम जब भी वापस करेंगे प्रीमियम पे करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो 5% ऑफ 85 लाख कितना हो जाएगा, 4,25,000। फिर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, तो अमाउंट ड्यू जो है वो 89,25,000 का है, तो इनको मैं 89,25,000 पे कर देता हूँ। अब मैं इनके एक्चुअल पेमेंट भी कर देता हूँ, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वैसे जब हम कैश में वापस करते हैं, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो उस केस में ड्यू एंट्री जरूरी नहीं होती, उस केस में आप डायरेक्टली टू बैंक लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही लिखा करो 89,25,000। अब जब मैंने ये दो एंट्री करी तो इन दो एंट्री में जो ये डिवेंचर होल्डर है वो तो वैसे ही चला गया, वो तो वैसे ही क्रिस क्रॉस हो गया, एक क्रेडिट बैलेंस है, एक डेबिट बैलेंस है। अब ये 13.5% डिवेंचर डेबिट हो गए 85 लाख से, तो बैलेंस शीट के अंदर जो मैंने कन्वर्टेबल डिवेंचर लिखा है 100 लाख, उसमें से 15 लाख तो पहले ही डेबिट हो गए और 85 लाख के और भी डेबिट हो गए। इसका मतलब ये सारे डिवेंचर रिडीम हो गए, अब न्यू बैलेंस शीट के अंदर ये डिवेंचर नहीं आएंगे, नेचुरल है। आगे फिर तुमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट बैलेंस है, तो आपको याद होगा प्रीमियम और रिडम्पशन का जो डेबिट बैलेंस हम कहीं अलग से नोट कर रहे थे, तो ये डेबिट बैलेंस पहले ही 75,000 का है और 4,25,000 का और डेबिट हो गया। इसका मतलब जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में डेबिट बैलेंस आ गया वो तो अब 5 लाख आ गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में डेबिट बैलेंस 5 लाख का है अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। और डिवेंचर होल्डर तो कट गया और ये बैंक क्रेडिट हो गया, तो जो तुमने ये बैलेंस शीट बनाई है उसमें कैश एट बैंक में तुम माइनस कर दो 89,25,000 रुपीज़ तुमने माइनस कर दी। इज इट क्लियर टू यू? जो भी नेट फिगर आएगी वो अभी हम बाद में लिख देंगे। इसका मतलब अब कैश में इतना बैलेंस बचेगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब इस एंट्री को करने के बाद तुम्हें क्या समझ में आनी चाहिए? तुम्हें जो समझ में आना चाहिए, जो तुमने ये प्रीमियम पे करा है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि टोटल डेबिट बैलेंस 5 लाख का है, ये लॉस है आपके लिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज कंसिडर्ड एज ए लॉस। अब इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है। देखो, मैंने कई बार बताया कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो बेसिकली आपके लिए कैपिटल लॉस है, कैपिटल नेचर का लॉस है, करेक्ट। कोई भी ऐसा लॉस जो एसेट को बेचने से होता है या शेयर कैपिटल डिवेंचर बॉन्ड्स पे होता है वो कैपिटल नेचर का लॉस होता है, तो ये कैपिटल नेचर का लॉस है। कोशिश होनी चाहिए कि कैपिटल, वैसे तो कैपिटल नेचर का लॉस है, मैं इसको राइट ऑफ कर तो करूँगा, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको राइट ऑफ करा जाए जहाँ तक हो सके सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट। पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए राइट ऑफ करने की। बाई चांस सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं है तब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करा करो। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था कि प्रीमियम और रिडम्पशन का बैलेंस आप अलग से नोट कर रहे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग से कर रहे थे, तो आपको मालूम है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,75,000 रुपये मौजूद हैं। तो ये जो कैपिटल लॉस है इसको आप इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो, यानी कि ये जो कैपिटल लॉस है प्रीमियम और रिडम्पशन में जो डेबिट बैलेंस है इसको अब मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ,
तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। तो जब मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करूंगा, तो मैंने अभी कहा कि जहां तक पॉसिबल हो सके इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करना चाहिए, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कम होगा, और प्रीमियम और रिडम्पशन जिसमें डेबिट बैलेंस था उसको मैं अब क्रेडिट कर दूंगा खत्म करने के लिए। तो प्रीमियम और रिडम्पशन को हमने राइट ऑफ कर दिया, तो प्रीमियम और रिडम्पशन में टोटल अब 5,00,000 रुपये थे, तो वो मैंने अब क्रेडिट करके उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन इस लॉस को मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट सेट ऑफ करा। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो 5,75,000 रुपये थे, इस लॉस को सेट ऑफ करने के बाद अब सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना बच रहा है, 75,000। ये 75,000 का जो बैलेंस है आप बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस बच रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो 75,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, 75,000 का बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बचेगा। एक तो ये चीज, दूसरी चीज आपको समझ में ये आनी चाहिए, अभी सिंकिंग फंड के जब मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, मैंने आपको बताया था डिवेंचर को रिडीम जब हम कर देते हैं तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देख रहे हो आपके डिवेंचर तो खत्म हो चुके हैं, और आपके डिवेंचर रिडम्पशन फंड में 54,00,000 रुपीज़ का बैलेंस है, 50,00,000 का तो पहले से था और 4,00,000 का इन्वेस्टमेंट को बेच के जो प्रॉफिट हुआ था। तो 54,00,000 का जो बैलेंस है उसको आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। तो ट्रांसफर ऑफ DRF बैलेंस, डिवेंचर रिडम्पशन फंड बैलेंस, तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड में जो बैलेंस है उसको हमने अब ट्रांसफर कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया। तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में 54,00,000 का बैलेंस है, 54,00,000 उसको मैं जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। 54,00,000 मैंने जनरल रिजर्व अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया? था नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो आप उस वक्त तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्यों बैलेंस शीट पे बिना मतलब पे बना रहा हूं, लेकिन अब आपके समझ में आना चाहिए क्या उसका फायदा था। तो डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट में जो 54,00,000 थे ये आपने ट्रांसफर कर दिए, तो डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट तो अब जीरो हो जाएगा, मैं माइनस कर दूंगा 54,00,000, और ये 54,00,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे तो जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर कैश एट बैंक में आपका जो बैलेंस है 94, उसमें से ये माइनस करके 4,75,000 का बैलेंस आप आउटर कॉलम में दिखा देना। इज इट क्लियर टू यू? बाकी अदर करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट जीरो हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज नहीं है, उसी फिगर पे आएंगे। उसके अलावा लोन्स में प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अब जीरो हो गए, अब डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी जीरो हो गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 75,000 है, और जनरल रिजर्व में जो बैलेंस हो जाएगा डेट इज इक्वल टू, सो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 75,000, और जनरल रिजर्व का जो बैलेंस हो जाएगा अब 75 + 54, 129,00,000। तो ये आपकी रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अब 60,00,000 की है। तो अगर मैं डायरेक्टली एंट्री करके बैलेंस शीट बनाता तो आपको उस तरीके से समझ नहीं आता जैसे मैं समझाना चाहता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को करने के बाद, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए, इन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब ये जो अगला क्वेश्चन है 13.6, ये भी आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 13.7 भी सेम क्वेश्चन है, और पूरे अच्छी तरह मैंने सॉल्व करे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 13.8 तो बिल्कुल रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है, दोबारा लिख दिया है, आप देख ही रहे हो, फिगर्स भी सेम है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह 13.9 क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन अभी 5 मिनट का मैं रेस्ट ले रहा हूँ, अभी आधा घंटा और हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसको
पूरी तरह से फिनिश कर देंगे।
वेलकम बैक। वैसे तो बेटे मैंने कहा था कि ये चैप्टर मोर और लेस खत्म हो गया, जस्ट एक सेकंड का मुझे टाइम दें, एक सेकंड का। बीच में ना ये क्लैरिफिकेशन सी नहीं है, एक सेकंड। ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा था चैप्टर तो ये ऑलरेडी फिनिश अप हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह का क्वेश्चन हम आपके लेवल पे एक्सपेक्ट तो नहीं करते। 13.4 को आप देखें, वो कहता है लिब्रा लिमिटेड नाम की कंपनी है कोई, और उसने कोई पब्लिक इश्यू करा है, रिसेंटली करा है, और पब्लिक इश्यू जो उन्होंने करा है नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि ये जो डिवेंचर हमने इशू करे हैं ये पार्टली कन्वर्टेबल है। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब ये फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, कुछ पोर्शन इन डिवेंचर का कन्वर्ट कराया जा सकता है। वो कह रहा है कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर इज 50%। हर डिवेंचर, सपोज आपके हाथ में 1000 डिवेंचर हैं, तो आप 50% पोर्शन कन्वर्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू। तो जिस दिन इश्यू क्लोज होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने 50% पोर्शन कन्वर्ट कर सकते हो। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है, जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो क्लोज हो रही है, वो 1 जून 2012 या किसी की बुक में 25 लिखा होगा तो 25 उसी हिसाब से आप पढ़ लेना, करेक्ट। डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1/7/2012 और डेट ऑफ अलॉटमेंट 1/7/2012 है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होगी, जो कि 1 जून 2012 या जिनकी बुक में 25 लिखा है तो 1 जून 2025, चलो मैं 25 ही कर देता हूँ डेट, कहानी खत्म कर दो, करेक्ट। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो डेट दी हुई है सब्सक्रिप्शन के क्लोजर की 1 जून 2025 दी हुई है, करेक्ट। 1 जून 2025 को सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो रही है। अब वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन लिस्ट के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर हम जो है अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने डिवेंचर्स को जो कन्वर्ट कर सकते हैं वो 50% पोर्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसने कहा जो डिवेंचर अलॉट करे जाएंगे वो 1 जुलाई 2025 को करे जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट ऑफ 12% इज पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट की डेट के बाद से डिवेंचर पे होगा। और डिवेंचर जो पे होता है वो हाफ ईयरली होता है, 30 सितंबर को डिवेंचर पे होता है और 31 मार्च को पे होता है, क्वेश्चन में ये भी लिखा है। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इज 50, और जो डिवेंचर हम आपके कन्वर्ट करेंगे तो जो हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे वो 50 रुपये का करेंगे, उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये की होगी, यानी कि 40 रुपये प्रीमियम पे करेंगे। अब कह रहे हैं अंडर राइटिंग कमीशन 2% है। इस देखो क्वेश्चन में अंडर राइटिंग कमीशन दिया है, तो इसका मतलब इस कंपनी ने जब अपने डिवेंचर को इशू करा होगा तो इन्होंने अंडर राइटर्स के थ्रू इशू करा होगा, तभी तो क्वेश्चन में अंडर राइटिंग कमीशन दिया है। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो हमारे पास आए हैं एप्लीकेशंस, वो 2,25,000 आई हैं। 3 लाख डिवेंचर हमने इशू करे थे तो इसका मतलब 75,000 कम एप्लीकेशन आई हैं, तो वो 75,000 एप्लीकेशन किसको खरीदनी पड़ेंगी? अंडर राइटर्स को खरीदनी पड़ेंगी। तो यानी कि इस क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा टेस्ट करा गया है कि क्या तुम्हें अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है, इसीलिए हमने अंडर राइटिंग जो चैप्टर था वो पहले करा था। अब जो लोग इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, मैंने कहा कम चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछने के, लेकिन फिर भी 13.4 क्वेश्चन को जरा ठीक तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन की कहानी कुछ यूं थी। पहले मैं जरा क्वेश्चन की कहानी आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ था कि 1 जून 2025 मैंने डेट कर दिए। 1 जून 2025 जो है ये सब्सक्रिप्शन की क्लोजर डेट है, सब्सक्रिप्शन क्लोजर। इसका मतलब अब इसके बाद कोई भी इस कंपनी के डिवेंचर नहीं खरीद सकता। फिर क्वेश्चन में ये लिखा था कि डिवेंचर जो कंपनी ने अलॉट करे हैं वो 1/7/2025 को करे हैं। 1/7/2025 जो है वो अलॉटमेंट की डेट है, अलॉटमेंट डेट, ये अलॉटमेंट की डेट है। क्वेश्चन में ये भी लिखा था
कि जो 1 जून 2025 सब्सक्रिप्शन की क्लोजर की डेट है, इसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर मैं इसके 6 मंथ्स क्लोज करूं, यहां से अगर मैं 6 महीने की फिगर, 6 मंथ कहीं मान लेते हैं कि 6 मंथ्स कहीं यहां पर आ जाएंगे, 6 मंथ्स तकरीबन 1/12/2025 को पड़ेंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन की डेट से लेकर के अगले 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर 6 मंथ्स क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने डिवेंचर जो हैं कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इस डेट तक आप अपने 50% डिवेंचर कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन 50% डिवेंचर आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब टोटल डिवेंचर 3 लाख के हैं, कंपनी ने 3 लाख डिवेंचर इश्यू करे हैं, 2,25,000 एप्लीकेशन आई जरूर है, लेकिन 75,000 डिवेंचर्स अंडर राइटर्स को खरीदने पड़ेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 लाख डिवेंचर ही हो गए ना, तो 3 लाख का 50%, इसका मतलब 1.5 लाख डिवेंचर आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1.5 लाख डिवेंचर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। एक तो इस क्वेश्चन में ये चीज है, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, दूसरा इस क्वेश्चन में उसने ये भी लिखा था कि ये कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है, एक तो 30 सितंबर को करती है, 30 सितंबर 2025 को इंटरेस्ट पे होगा, करेक्ट, और दूसरा उसके 6 महीने के बाद फिर इंटरेस्ट पे होगा। अगर मैं इसके अगले 6 महीने गिनूंगा तो वो आ जाएगा करीब डेट 31 मार्च 2026 आ जाएगी। ये इंटरेस्ट की आपकी पेमेंट की डेट्स हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट की डेट है। अब ध्यान क्या रखना है आपने, जो मेन चीज इस क्वेश्चन में आपको समझ में आनी चाहिए, एक तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी ने 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे, 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे। अब 3 लाख रुपए के डिवेंचर में से जैसा कि आपने देखा 2,25,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, तो 75,000 एप्लीकेशंस हमारे पास नहीं आई, तो ये 75,000 शेयर्स अंडर राइटर्स को खरीदने पड़ेंगे। एक तो ये, तो इसका मतलब ये है कि आपने अंडर राइटर्स की सहायता ली तो अंडर राइटर्स को कमीशन देना पड़ेगा। अब अंडर राइटर्स को जो कमीशन मैं दूंगा, देखो कमीशन तो हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पे दिया जाता है ना, इसका मतलब अंडर राइटर्स ने हमारे 3 लाख शेयर्स को बिकवाने की गारंटी ली होगी, तो ग्रॉस लायबिलिटी 3 लाख शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, क्योंकि शेयर वैसे तो इश्यू रेट हम लेते हैं लेकिन इश्यू रेट अलग से कोई दिया नहीं है, तो 100 रुपये का शेयर 100 रुपये के हिसाब से इश्यू हुआ है इसका मतलब। तो अंडर राइटिंग कमीशन एक तो आप कंप्यूट करेंगे इस तरीके से, एक तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्ट के बारे में भी उसने लिखा हुआ था, और इंटरेस्ट के बारे में मैंने बताया, एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी इस तारीख को, एक इंटरेस्ट की पेमेंट होगी इस तारीख को। तो इस क्वेश्चन में आपको एंट्रीज कैसे करनी है वो मैं आपको जरा थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर तुम में से कोई इसको रियली में करना चाहता है। सबसे पहले तो 1 जुलाई को, क्योंकि हमने अलॉटमेंट जो करी है 1 जुलाई 2025 को अलॉटमेंट करी है, तो जिस दिन हम डिवेंचर अलॉट करते हैं तो उस दिन पहले तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कंपनी ने कब डिवेंचर इशू करे हैं, तो इसलिए मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं और डिवेंचर 100 रुपये का है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 225 लाख। तो 225 लाख टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सर वैसे तो हम डिवेंचर एप्लीकेशन लिखते हैं, आपने डायरेक्टली अलॉटमेंट क्यों लिख दिया? तुम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं इस तारीख को हमने डिवेंचर अलॉट करे हैं तो, और दिया नहीं हमने कौन सी तारीख को डिवेंचर इशू करे हैं, तो डायरेक्टली मैंने अलॉटमेंट के दिन ये एंट्री कर दी, जो पैसा आया उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तुम चाहो तो दो एंट्री कर सकते हो, नरेशन में मैंने लिख दिया रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी
एंड ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के दिन मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दी, नहीं तो तुम पहली एंट्री लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब कंपनी ने 3 लाख डिवेंचर इशू करे थे, 2,25,000 एप्लीकेशन आई, तो 75,000 अंडर राइटर्स को खरीदने पड़ेंगे। अब अंडर राइटर्स को अगर 75,000 डिवेंचर खरीदने पड़ेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी वो आपको मालूम ही है। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, तो अंडर राइटर्स को 75,000 डिवेंचर्स खरीदने पड़ेंगे, 75,000 इंटू 100 पहले तो आप लिखोगे, इसका मतलब 75 लाख वर्थ रुपीस के डिवेंचर्स खरीदने पड़ेंगे। टू, डिवेंचर अकाउंट, तो अंडरराइटर्स को हमने 75 लाख रुपीस के डिवेंचर इशू कर दिए, तो इसका मतलब है कि हमारी एंट्री, इसका मतलब है कि हमने डिवेंचर होल्डर से 75 लाख रुपीस लेने हैं, करेक्ट। तो इसको हम लिखते हैं डिवेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय, डिवेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय अंडरराइटर्स। तो जो एप्लीकेशंस नहीं आई उतनी शॉर्टफॉल जो है वो डिवेंचर होल्डर्स को खरीदने पड़ेंगे, सब्सक्राइब्ड बाय, सॉरी अंडरराइटर्स को खरीदने पड़ेंगे, तो सब्सक्राइब्ड बाय अंडरराइटर्स, ये आपकी एंट्री अगली होगी। उसके अलावा अब अंडरराइटर्स को हमने कमीशन देना होता है, तो हम एंट्री लिखते हैं अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, टू अंडरराइटर्स अकाउंट अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, तो अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू हो गया। कमीशन मैंने आपको अभी बताया था कैसे कंप्यूट करेंगे, 3 लाख इंटू 100 इंटू 2%, तो 6 लाख रुपए का आपका कमीशन आ जाएगा। अब 6 लाख रुपए आपने देने हैं अंडरराइटर्स को और 75 लाख लेने हैं, तो नेट अमाउंट आप रिसीव कर लोगे। अब हम नेट अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। यानी कि इस क्वेश्चन में अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने मिक्स कर दिया, टू अंडरराइटर्स अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? अंडरराइटर से हमने कितना पैसा लेना है, सॉरी 75 लाख लेना है, और देना कितना है, 6 लाख देना है। तो जो नेट बैलेंस है वो अब हम उनसे रिसीव कर लेंगे और अंडरराइटर से हमारा फिर अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो इसका मतलब 69 लाख रुपीस नेट एंट्री हमने कर दी, 69 लाख। क्लियर? अब उसके अलावा जो फिफ्थ एंट्री होगी, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था सब्सक्रिप्शन की डेट से लेकर के जो 6 महीने खत्म हो रहे हैं वो इस तारीख को खत्म हो रहे हैं, तो हम मान लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया नहीं है, मान के चल रहे हैं कि इस तारीख को 50% डिवेंचर जो है वो कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए अगली एंट्री की मैंने डेट भी लिख दी 1/12/2025। सब्सक्रिप्शन की क्लोजर की डेट से अगले 6 महीने तक ये ऑफर वैलिड था, तो अब 50% डिवेंचर कन्वर्ट होंगे तो डिवेंचर हमारे पास वापस आएंगे। मैंने पहले ही बताया 1,50,000 डिवेंचर कन्वर्ट होंगे और 100 रुपये का एक डिवेंचर है इनटू 100, तो डेबिट करेंगे आप 150 लाख। करेक्ट? फिर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लेकिन इन डिवेंचर को हमने प्रीमियम पे तो वापस करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि इस कंपनी ने ये डिवेंचर ये कह के इश्यू करें कि हमने आपको प्रीमियम पे वापस करना है, इसका मतलब वापस हमने इतना ही अमाउंट करना है। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अब मैं यहाँ लिख दूंगा टू डिवेंचर होल्डर्स, तो इसका मतलब हमने डिवेंचर होल्डर को 150 लाख रुपये देने हैं अमाउंट ड्यू, तो ये हो गई आपकी अमाउंट ड्यू की एंट्री, अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए ये अमाउंट ड्यू है। अब आप इनके डिवेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन में लिखा था कि कन्वर्ट करने के लिए कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है, इज इट और नॉट?
तो इक्विटी शेयर लेकिन कंपनी 50 रुपये के हिसाब से इश्यू कर रही है और 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। तो अगली एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो डिवेंचर होल्डर को हमने क्रेडिट 150 लाख से कराया, 150 लाख से अब हम उनको डेबिट कर देंगे और हम इनको अब दे देंगे इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो प्रीमियम पे इश्यू हो रही है। तो प्रीमियम पे जब शेयर इश्यू हो रही है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो ये देखूँगा कितने हमें इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं। इसके लिए मुझे 150 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस इक्विटी शेयर का 50 रुपये है, तो जिससे मुझे ये पता लग गया कि हमारी कंपनी को 3 लाख इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो 3 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू करे, 10 रुपये लेकिन फेस वैल्यू है, तो यहाँ तो मैं लिखूँगा 30 लाख, लेकिन प्रीमियम मनी 40 रुपये है क्योंकि 50 रुपये के हिसाब से शेयर दिया जा रहा है, into 40 तो 120 लाख। इस तरह तुम कन्वर्जन की एंट्री भी कर दोगे। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम चाहो तो इसमें एक इंटरेस्ट, वो मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहो तो इसमें एक इंटरेस्ट की एंट्री भी करके दिखा सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट की डेट दी हुई है इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी लेवल पे इतना नहीं आएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री है। अब इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, यहां ध्यान से सुनो। देखो यहां पर पहले तो जो कंपनी ने 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं वो अलॉट कौन से दिन करे हैं? कंपनी ने डिवेंचर जो अलॉट करे हैं देखो, कंपनी ने 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे थे। इज इट क्लियर टू यू? 3 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी ने इशू करे थे, लेकिन इनकी अलॉटमेंट की डेट जो है वो 1/7/2025 थी, और कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है एक तो 30 सितंबर 2025 को, और उसके बाद अगले 6 महीने में कंपनी फिर इंटरेस्ट पे करेगी, अगले 6 महीने में कंपनी फिर इंटरेस्ट पे करेगी। यानी कि जब मैंने डिवेंचर इशू करे तो उसके बाद इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट आ रही है वो इस तारीख को आ रही है। बात समझ में आ रही है? 1/7/2025 से लेके 30 सितंबर तक, आप देखो पहले कितना टाइम पीरियड होता है, 1/7/2025 से लेकर के 1/7/2025 से लेकर के 30 सितंबर तक, तो एक तो पूरा जुलाई का महीना हो गया क्योंकि 1 जुलाई है, जुलाई के बाद फिर हो गया अगस्त का महीना, अगस्त के बाद पूरा सितंबर का महीना, 3 महीने। तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो बनेगा पूरे 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स पे बनेगा, 3 लाख × 100 × 12% × 12% × 3/12। ये तो इंटरेस्ट होगा इतने डिवेंचर पे 30 सितंबर को, 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो इतना पे करेंगे। तो 30 सितंबर का हमारा इंटरेस्ट बन गया इतना, डेट इज इक्वल टू, अब ये कंप्यूट करना पड़ेगा, 300 × 0 × 100 × 12 / 100 × 3/12, ये आ रहा है 9 लाख का। यानी कि 30 सितंबर को जो मैं इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री करूँगा वो तो 9 लाख से करूँगा। उसके बाद अब 30 सितंबर के बाद लॉजिकली जो अगला इंटरेस्ट पे होगा, अब जो अगला इंटरेस्ट पे होगा 30 सितंबर के बाद, उसकी जो डेट हमने देखी थी, हमने शुरू में मैंने डेट लिखाई थी 31/3/2026 की डेट लिखाई थी, ठीक है। अगला इंटरेस्ट 31/3/2026 को पे होगा, 31/3/2026 को होगा। अब अगला इंटरेस्ट 31/3/2026 को पे तो होगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है कि 1/12/2025 को
आपने 50% डिवेंचर जो हैं कन्वर्ट कर दिए, 50% डिवेंचर्स कन्वर्ट भी तो कर दिए, 50% डिवेंचर्स कन्वर्टेड, और उनको कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी शेयर में। ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब इस तारीख तक तो आप डिवेंचर पे कर चुके हैं, और इस तारीख को अभी भी आपके पास 3 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। अब देखो यहां पर, लेकिन इस तारीख को आपके पास कितने डिवेंचर हैं? इस तारीख को हमारे पास 1,50,000 डिवेंचर हैं। क्यों हैं 1,50,000? क्योंकि 1,50,000 के डिवेंचर जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं इस तारीख को, तो इस तारीख को 1,50,000 के डिवेंचर होंगे। तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि ये जो 3 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, ये जो 3 लाख रुपए के डिवेंचर हैं 30 सितंबर को, जो हमारे पास 3 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, इन 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स पे, इन 3 लाख रुपए के डिवेंचर को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। मैंने इन डिवेंचर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। 2 हिस्सों में कैसे बांटा? 1,50,000 और 1,50,000, मैंने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। क्योंकि ये जो 3 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, इन 3 लाख में से 1,50,000 रुपए के डिवेंचर तो इस दिन खत्म हो गए ना, तो ये जो 3 लाख रुपए के डिवेंचर थे उसमें से जो ये डिवेंचर खत्म हो गए उनको तो इंटरेस्ट मिलेगा इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक, करेक्ट? क्योंकि इस तारीख को ये डिवेंचर खत्म हो गए। 30 सितंबर से 1 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड होता है? अक्टूबर नवंबर, बस। क्योंकि ये 1 दिसंबर आ गया है तो दिसंबर नहीं लेंगे, सितंबर का मैंने तो खत्म हो गया, तो बीच में अक्टूबर और नवंबर केवल 2 मंथ बचे हैं। तो इसका मतलब 1,50,000 पे जो इंटरेस्ट पे करा जाएगा इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3 बाई 12। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है पहले, तो दैट इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 100 इंटू 12 बाई 100 डिवाइडेड बाई 4। ये आ रहा है 4,50,000। एक बार मैं फिर चेक कर लूँ, वैसे 2 बाई 12, मैंने 3 बाई 12 कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। 1,50,000 इंटू 100 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं, तो 3 लाख आ रहा है, ठीक है जी। 3 लाख का ये इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि ये जो 1,50,000 रुपये के डिवेंचर हैं, करेक्ट, क्योंकि उनका सफ़र केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, तो इन 2 महीने के बाद तो अब उनका कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं। अब ये जो 3 लाख में बचे हुए 1,50,000 के डिवेंचर हैं उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से लेकर के इस तारीख तक मिलेगा। तो जो बचे हुए 1,50,000 के डिवेंचर हैं इंटू 100 इंटू 12% इंटू ये हो जाएगा 6 बाई 12, तो ये इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 12 लाख का। इज इट क्लियर टू यू? तो इनको हमें जो देना पड़ेगा, जस्ट वेट, तो इनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस तारीख तक। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब, वैसे तो इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, अगर मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ती तो मैं इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करता, ये मैंने तुम्हें बताने के लिए करा। एक तो मैं 30 सितंबर 2025 को मैं पहले तो एंट्री करता डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जैसे कि मैंने अभी कंप्यूट करके बताया था, इस दिन जो मेरा इंटरेस्ट होता 30 सितंबर को, वो तो मेरा इंटरेस्ट होगा 9 लाख का। 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट पे करा जाएगा 3 लाख के पूरे डिवेंचर पे इंटू 100 इंटू 12 बाई 100 इंटू 3 बाई 12, क्योंकि ये जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 30 सितंबर को दे रहे हैं, और अलॉट हमने डिवेंचर करे हैं 1 साल को, यानी कि 2 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए, इन सभी डिवेंचर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो 9 लाख रुपीज का इंटरेस्ट की एंट्री तो आप करोगे इस तारीख को, 9 लाख। और उसके अलावा फिर 31 मार्च
31 मार्च से पहले एक्चुअली 1/12 की डेट आ जाएगी। तो 1/12/2025 को आपको 150,000 डिवेंचर जो आपने कन्वर्ट कर दिए उनका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उनका इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री तो यही होगी टू बैंक। और इनका जो इंटरेस्ट था मैंने बताया, ये जो इंटरेस्ट है इनका वो 3 लाख रुपए का आ रहा है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो तुमने दिया है वो 30 सितंबर से लेकर के 1/12 तक दिया है, 1/12/2025 तक दिया है। और इनका इंटरेस्ट जो दिया है 30 सितंबर से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का दिया है, 6 महीने का दिया है। तो 1/12 का जो इंटरेस्ट है वो तो 3 लाख, और उसके अलावा फिर तुमने जो इंटरेस्ट पे करा है बचे हुए 1,50,000 पे 12 लाख का पे करा है। लेकिन ये इंटरेस्ट आपने पे करा है 31 मार्च 2026 को। एंट्री तो यही हो जाएगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेट इज इक्वल टू 12 लाख। ये मैंने इसलिए बता दिया कि गलती से अगर इंटरेस्ट की एंट्री भी वो पूछ लें तो तुम्हें आना चाहिए, लेकिन आपके लेवल पे वो नहीं पूछेंगे इतना, लेकिन ये वाला अपर पार्ट पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि टेक्निकली आपके लेवल तक के लिए यहाँ तक है, लेकिन फिर भी अपने को ज़्यादा सेव करने के लिए आपको ये इंटरेस्ट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि हर चैप्टर को हमने कराया कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर कराया, इस चैप्टर को भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर कराया, उसके बाद इसमें MCQ वगैरह भी हैं जैसा कि आप देख रहे हो, तो MCQ पे भी नज़र अपनी मार लेनी चाहिए, खास तौर से जब वो पूरे सॉल्यूशंस के साथ गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? ये MCQs भी आपको इसमें गिवन है, तकरीबन इसमें 23 MCQs हैं, तो ये भी आपको कर लेने चाहिए। ठीक है, फिर ये चैप्टर फिनिश होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और चीज़ के साथ।